उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी कैडर के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी समेत कई मंत्री आज दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यूपी कैडर के नेताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही ओबीसी वर्ग को साधने की भी आलाकमान ने मास्टर प्लान पर चर्चा की है। उन्होंने मुद्दों को लेकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की। अनादि टीवी संवाददाता विभांशु ने। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ है। सर, आज आप सभी दिल्ली जा रहे हैं, आपके अगुवाई में कहीं ना कहीं तमाम नेता जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज है, क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमारे गतिविधियां, हमारे कार्यक्रम, अभियान, सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से हम लगातार अपने गतिविधि करते हैं। और केंद्रीय पार्टी भी बीच बीच में कार्यक्रम अभियानों की समीक्षा करती है, तो केंद्रीय पार्टी समीक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा क्रम लगातार चलता रहता है और ये रूटीन बैठ के है, इसे विशेष रूप से कोई ऐसा विषय। आगामी दिनों में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी कि उसको भव्य बनाया जाए? नहीं, जो भी पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम अभियान को चलाते हैं, तो इसे अलग से कोई स्वरूप में न देखा जाए, लेकिन एक रूटीन गतिविधि है। और गतिविधि जो जो काम हमने किए वो रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व के बीच में रखेंगे, और जो आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से, अभियानों की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से जो दिशा निर्देश होंगे उसे करेंगे। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विपक्षियों की आवाज़ दबाने के लिए संसाधन का दुरुपयोग कर रही है। हमारी नीति स्पष्ट है और जनता ने हमें भ्रष्टाचार के सामूल समाप्त के लिए चुना है, और सबको कानूनी विकल्प हैं, उन विकल्पों की बयानबाजी के बजाय सभी दलों के नेताओं को कानूनी विकल्पों पर विचार करके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मंत्रिमंडल के विस्तार का कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ मैं विभांशु, अनादि टीवी, लखनऊ।